Right. Journey. Two. Ten. अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं सारा कुछ जनरल टेक में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूं और आज मैं वर्ल्ड लीडर्स का पार्ट टू लेकर हाजिर हो गया हूं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वर्ल्ड लीडर्स के पार्ट वन पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आई होप आप लोग आगे की वीडियोज़ पर भी ऐसा ही रिस्पॉन्स देंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी पार्ट वन में, वो ये कि जब मैं आपको फैक्ट्रीज़ का दिखा रहा था तो मैंने आपको बोलता कि फैक्ट्री बनाने में $1000 लगते हैं। ऐसा नहीं है, हर फैक्ट्री की प्राइस मुख्तलिफ होती है, यानी जो सस्ते रिसोर्स होते हैं उन पर $150 $200 ऐसे लगते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं यानी यूरेनियम मैंने आपको बताया था, डायमंड्स वगैरह, तो उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। प्राइस वहाँ लिखी भी होती है तो आप खुद देख लीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैप, ये भी हो गया बिल्ड आर्म्स, यानी यहाँ से आप हथियार बना सकते हैं। अच्छा, आप जो भी बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको 5 टर्न्स लगेंगे, भले ही आप एक हथियार बनाएं चाहे आप 1000 हथियार बनाएं, लेकिन 5 टर्न्स ही लगेंगी एक बार में। ट्रूप्स यानी सिपाही मेरे 129,847 करके कुछ ट्रूप्स हैं मेरे पास, यानी सिपाही हैं। अच्छा, आपको एक सिपाही बनाने के लिए जा रहे एक आवाम यानी एक बंदा चाहिए, यानी मैं मैक्सिमम एक बार में 1000 प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वैसे मैं जितने चाहूँ कर सकता हूँ लेकिन एक बार में 1000। अच्छा, नन यानी हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, यानी किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें सिपाही बनाने के लिए, सिर्फ आवाम चाहिए। ट्रेन ट्रूप्स मैं आपको करके दिखाता हूँ। वन यूनिट यानी एक सिपाही, 5 यूनिट यानी 5 सिपाही, 10 यूनिट यानी 10 सिपाही, तो मैं 1000 करूँगा आपको दिखाने के लिए। देखिए, जबकि मेरे पास आवाम तो 400,000 कुछ है, लेकिन मुझे यहाँ 1000 से ऊपर मैं नहीं जा सकता एक बार में, इसके अलावा मैं दोबारा 1000 कर करके कर सकता हूँ। और भले ही आप एक सिपाही ट्रेन करें या 1000, लगेंगे आपके 5 टर्न्स ही, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। बस हो गए सिपाही रेडी, और ये देखिए मेरे पैसे भी बढ़ गए क्योंकि मैंने 5 टर्न यूज किए हैं, तो उससे मेरे पैसे मिले। कुछ हो गए, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। APCs यानी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, ये सिपाहियों को ले जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं। मेरे अपने हैं 1000। अच्छा, ये बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, पेट्रोलियम कितना चाहिए, गैस कितना चाहिए, टाइटेनियम वगैरह कितना चाहिए, इस तरह आप इनको बना सकते हैं। ये बता रहे हैं कि मैं कोई भी नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास ये सारे रिसोर्सेज हैं ही नहीं, यानी गैस और टाइटेनियम यूरेनियम वगैरह, ये आप वहाँ जाके बाजार से खरीद सकते हैं। अच्छा, मार्केट प्राइस है इसकी $3.34, यानी वेपन्स मार्केट भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वेपन मार्केट कैसी होती है। अच्छा, ये जो है ना, ये रिसोर्सेज मार्केट की प्राइस है, यानी जो रिसोर्सेज हम खरीदेंगे वो $3.34 की होंगी, और ये जो APC की प्राइस है $4.56 का है एक APC। तो APC होते हैं ये फौजियों को लेके जाते हैं, और ये आपके पास ज़्यादा होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टैंक्स हैं, मेरे पास 162 हैं। अच्छा, अगर मेरे पास ये सारे अगर रिसोर्सेज हो ना, तो ये बिल्कुल जिस तरह हमने ट्रूप्स को ट्रेन किया था उस तरह यहाँ पे हमें ऑप्शन देगा बिल्ड करने का, और उस पर जाके जैसे अगर मैं 10 टैंक्स बना सकता हूँ, तो ये मुझे ऑप्शन देगा 1 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट, तो मैं 10 पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी 5 टर्न्स इस्तेमाल हो जाएंगी और मेरे पास 10 टैंक्स आ जाएंगे और वो रिसोर्सेज भी यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी के कौन कौन से वेपन होते हैं। APC आर्मर पर्सनल कैरियर
टैंक्स, टैंक्स तो आपको पता ही होगा, फाइटिंग रोबोट्स। लेकिन फाइटिंग रोबोट्स का मसला ये है कि इसके लिए आपको एक टेक्नोलॉजी मुकम्मल करनी पड़ेगी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, और मैं इसको फजूल ही समझता हूँ क्योंकि बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है वो, और मेरा नहीं ख्याल कि इतने इंपॉर्टेंट हैं ये फाइटिंग रोबोट, इनके बिना भी काम चल जाता है। इसके अलावा आर्टिलरी यानी तोपें, इसके अलावा जेट्स जहाज, हेलीकॉप्टर्स यानी बहरी जहाज, सबमरीन्स यानी आबदोजें यानी जो पानी के नीचे चलती हैं, एंटी एयर मिसाइल यानी ज़मीन से हवा में हमला करने वाले मिसाइल यानी जिसके ज़रिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह को गिराया जाता है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी जिसके ज़रिए जो है दूसरे मुल्कों में मिसाइल वगैरह मार सकते हैं, धमाके कर सकते हैं। तो शुरू में हमारे पास मिसाइल पे वॉरहेड्स रखते हैं, तो शुरू में हमारे पास एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स ही होती हैं यानी धमाका करने वाले। लेकिन मैं आपको ये आगे बताऊँगा कि आप कैसे एटमी वॉरहेड्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स या और केमिकल वगैरह को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, और बस इसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं वापस गेम मैप पे जाऊंगा। अच्छा, बिल्ड आर्म्स भी मैंने आपको दिखा दिया, वेपन्स मार्केट यानी जो सारे आप वहाँ पे बना सकते हैं वो आप यहाँ खरीद भी सकते हैं वेपन, और बेच भी सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम लोग बाज़ार से चीज़ें खरीदते हैं यानी रिसोर्सेज वगैरह ख़रीदते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सिंपल है ये, और इसमें वही सारे हथियार हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, एक हथियार मैं भूल गया था, एयरक्राफ्ट कैरियर। ये बहुत महंगा होता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको ख़रीदें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ एक्सप्लोर लैंड वाले हिस्से में हूँ, तो अब मैं यहाँ से बैक गेम की मेन स्क्रीन पे नहीं जाना चाह रहा, मैं डायरेक्ट किसी और उस पर जाना चाह रहा हूँ मैप पे। तो ये सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे हमारा मोर ऑप्शन का बटन आता है वहीं पे आएगा सिलेक्ट, तो ये वही वापस से गेम मैप पर आ गया। अच्छा, इकोनॉमी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं वगैरह वगैरह। ये मनी बता रहा है, इसके अलावा इसने टर्म्स बताई, इकोनॉमी वैल्यू 5900 करके कुछ है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट्स फ्रॉम सिविलियंस यानी जब हम टर्न यूज करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता है सिविलियंस से। अच्छा, यानी जब हम एक टर्न इस्तेमाल करते हैं तो हमें सारे सिविलियंस को मिला के 38 कुछ डॉलर्स मिलते हैं यानी एक टर्न को इस्तेमाल करने से। अगर जैसे मैं 40 या 50 टर्न एक साथ इस्तेमाल करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई होकर अच्छा खासा हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कम है यानी एक सिविलियन से आपको 0.01 पता नहीं ऐसे करके कुछ पैसे मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो इसे भी आप बढ़ा सकते हैं लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप इसको बढ़ा सकते हैं। ट्रेड प्रॉफिट्स यानी आपको इसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स भी करने होते हैं, आपको आगे दिखाऊंगा वो। अच्छा, ये बता रहे कि मेरे ट्रेड पार्टनर्स 3 हैं, इसके अलावा ट्रेड प्रॉफिट में 30 सेंट्स हुआ है। सेंट्स यानी डॉलर से छोटे होते हैं यानी जैसे हमारे यहाँ पैसा होता था ना एक टाइम पे, रुपए बाद में आते थे पहले पैसे, तो उस तरह सेंट्स होते हैं डॉलर से पहले। तो ये ट्रेड प्रॉफिट आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे, तो ये आपको ये फ़ायदा देंगे कि जब आप टर्न ये इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको इसके भी पैसे मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो जब आप ज़्यादा ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और रिसर्च एग्रीमेंट से ये होता है कि आपका जो है यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टेक्नोलॉजी लेवल एक्सपेंड करने होते हैं तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे कम हो सकते हैं इससे, लेकिन ये भी बहुत स्लो कम होता है, तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा रिसर्च एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। इसके अलावा नो स्पाइंग एग्रीमेंट होता है यानी अब दूसरे मुल्क
यानी जिससे आपने नो स्पाइंग एग्रीमेंट किया, आप उसके मुल्क में जासूस नहीं भेज सकते और ना वो आपके मुल्क में जासूस भेज सकता है। और ये आप चाहें तो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं एग्रीमेंट्स वगैरह। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अच्छा, इकोनॉमी हो गया टेक्नोलॉजी, तो ये अब यहीं पे सब कुछ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इसी की मैं बात कर रहा था। सबसे पहले है एजुकेशन, यानी इसमें ये होगा कि ये वही है, यानी एक टन इस्तेमाल करने पे आपको सिविलियन से जो पैसे मिलते हैं, तो आप जैसे जैसे इसका लेवल, मेरा लेवल 4 है और 999 तक इसको लेके जा सकते हैं। तो जब आप इसके लेवल इंक्रीज करते जाएंगे तो आपको एक सिविलियन से ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे। यानी 4,900 मिलियन डॉलर्स चाहिए मुझे तो मैं इसके नेक्स्ट लेवल पे जा सकूंगा। मेरे पास नहीं है ज़ाहिर है। एग्रीकल्चर, अच्छा इसमें ये है कि आपको एक टर्न से कितने सिविलियंस मिलेंगे, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि टर्न यूज़ करने पर सिविलियंस भी मिलते हैं या पैदा होते हैं, जो भी है मतलब पता नहीं। तो एक टर्न यूज़ करने से आपको 19 सिविलियन मिलेंगे, तो जब आप 40-50 टर्न यूज़ करेंगे तो अच्छे खासे सिविलियंस हो जाते हैं और आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। 3,920 मिलियन डॉलर्स मनी, अगर मैं इतने पैसे ले आता हूँ तो इसमें लेवल नहीं शो होता, तो मैं इसको इस तरह बढ़ा सकता हूँ। फिलहाल 19 सिविलियन एक बार में ऐड होंगे, शायद जब मैं इसका एक और लेवल इंक्रीज करूँगा तो शायद 20 सिविलियंस एक टर्न से मुझे मिलेंगे। एनर्जी, अच्छा यानी अगर आप ये बना लेते हैं, यानी आप रिसर्च करके अगर एनर्जी की रिसर्च यानी अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आप बना सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर ख़रीद सकते हैं अभी आप, पर आप बना नहीं सकते अभी। इसके अलावा लेज़र वेपन्स और वेदर कंट्रोल वाले वेपन्स, मतलब बहुत ही एडवांस जा रहे हैं भाई ये, वेदर कंट्रोल वाले वेपन्स भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस पर पैसे ना लगाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे हैं। 24,500 डॉलर्स मनी, मिलियन डॉलर्स मनी, और इसके बाद भी पता नहीं ना जाने आपको वो वेदर कंट्रोल वेपन्स बनाने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। तो मैं आपको इस पर पैसे लगाने का मशवरा नहीं दूंगा, इसकी वजह मैं आपको आगे बताता हूँ क्या। अच्छा ये है वॉर रोबोट्स वाली टेक्नोलॉजी। अब इसमें जब तक आप 25 लेवल्स कंप्लीट नहीं करेंगे इसके, तो आप रोबोट्स नहीं खरीद सकते। देखिए 2,450 मिलियन डॉलर मनी एक बार में खर्च हो रहे हैं, तो 25 लेवल्स का आप आइडिया लगा लें कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। और फिर अगर ये फाइटिंग रोबोट्स काम के नहीं हुए तो मेरा तो इतना पैसा ज़ाया, तो इसलिए मैं आपको इसको भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यानी इस टेक्नोलॉजी को पूरा करें, क्योंकि इसके बिना भी आप अच्छे खासे ताकतवर हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टैंक्स और APCs वगैरह ख़रीद लेते हैं तो आप अच्छे खासे ताकतवर हो जाते हैं। अच्छा ये स्पेस की टेक्नोलॉजी है, इसको भी आप कोई पूरा मत कीजिएगा। इसमें है 15 लेवल्स, ठीक है, इसको हम पूरा करें तो हम सैटेलाइट्स बना सकते हैं। तो मैंने इसके पूरे 15 लेवल्स कर लिए थे, 1,700 मिलियन डॉलर्स कर करके मैंने 15 लेवल्स कर लिए, लेकिन अब मैं सैटेलाइट ही नहीं बना पा रहा। डू नॉट हैव, तो इतना ज़्यादा इसमें मनी चाहिए कि मैं बना ही नहीं पा रहा ये सैटेलाइट, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसको भी मत छोड़ें। अच्छा ये ऑप्शन है तो अच्छा, लेकिन ये महंगा बहुत है। इसमें ये है कि जब आप इसमें अगर आप पैसे लगाएंगे तो आपकी जो और टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके पैसे थोड़े कम होते जाएंगे। लेकिन अब देखें, पहले था ये 12,000 कुछ का, फिर मैंने इस पे पैसे लगाए और अब है 1,900 मिलियन डॉलर्स मनी, और इससे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, बहुत कम कम कुछ पॉइंट वन पॉइंट टू ऐसे करके कुछ डिक्रीज होते हैं, तो आई थिंक इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है।
urbanization will increase the amount of civilians that can inhabit free land for each investment, plus maximum resources slash factories total free land. 1,329 every land can inhabit. 1,300 total civilians can have. 1,727,700 maximum resources. 30,000 maximum factories. 9. अच्छा, इसी का मैंने आपको बताया था कि जैसे आप बाय डिफॉल्ट शुरू में 3 फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, क्योंकि आप इसके लेवल 1 पर होते हैं, यानी इस टेक्नोलॉजी के. तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो आपकी फैक्ट्रीज की तादाद भी बढ़ती जाएगी. और आप आपकी सिविलियन, फ़िलहाल मैं 1 मिलियन सिविलियन रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको जो है और लेवल इंक्रीज़ करते रहूँ तो ये सिविलियंस भी मैं फिर ज़्यादा रख सकता हूँ. इसके अलावा रिसोर्सेज 30,000 कुछ रख सकता हूँ, लेकिन इसका एक और लेवल इंक्रीज़ करने के बाद रिसोर्सेज भी मेरे फिर मैं ज़्यादा रख सकता हूँ रिसोर्सेज. तो इसी टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था. फिलहाल मैं 9 फैक्ट्रीज लगा सकता हूँ, 9 से ज़्यादा अगर मैं लगाने की कोशिश करूँगा तो नहीं लगा पाऊँगा. इसके लिए मुझे इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा. आगे चलते हैं हम. आर्मी अपकीप, Government type dictatorship, 70% of the total population can join your army. Max active troops can have 289,260 troops. 130,847. अच्छा, ये जो ऑप्शन है इसमें ये है कि फिलहाल 70% पॉपुलेशन, यानी 70% आवाम मेरी आर्मी में शामिल हो सकती है. उसके बाद मैं और लोग शामिल नहीं कर पाऊँगा इसमें. लेकिन अगर मैं इसके लेवल एक्सपेंड कर देता हूँ तो फिर मैं और ज़्यादा जो है अपनी आर्मी में लोग ऐड कर सकूँगा. लेकिन आई थिंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. मेरे ख्याल से 2 लाख की आर्मी बहुत होती है. तो फिलहाल मेरे पर 1,29,000 कुछ है, बल्कि 1,30,000. तो मेरा तो इसमें भी बहुत अच्छी तरह काम बन जाता है. तो 2,29,000 तो बहुत होते हैं. तो इसमें आप पैसे ना लगाएं, पैसे सिर्फ उन चीज़ों में लगाएं जिनमें आपको लगे कि शदीद ज़रूरत है. वेलफेयर, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें यह है कि 2/99 इसके आप जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये काम करेगा कि आपके रेबल्स यानी बागियों की तादाद कम करता रहेगा. अगर आपको बागियों से जंग नहीं लड़नी तो आप उसमें पैसा लगाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके बागी बल्कि पैदा ही नहीं हो सकेंगे, और पैदा हो भी गए तो ख़त्म होते जाएंगे. फैक्ट्रीज अच्छा, जैसे फ़िलहाल मैंने आपको बताया था कि वुड की एक फैक्ट्री से 8 लकड़ी जनरेट होती है. कॉपर यानी तांबा जो है वो 5 जनरेट होता है एक टर्न पर. तो अगर मैं इस टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करूँगा तो ये बढ़ जाएंगे, यानी जैसे 5, 6 या 10 हो जाएंगे. लकड़ी 8 से 16 हो जाएगी. यानी इस तरह आप इसकी प्रोडक्शन को जो है बढ़ा सकते हैं फैक्ट्री की. तो आप इसको मैक्सिमम 10 लेवल तक लेके जा सकते हैं. Military industry. Military industry. अच्छा, इसमें यह है अगर आप इसमें पैसे लगाते हैं तो मेरा ख्याल है इसको कोई फायदा नहीं. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार में मैंने 1,000 से ज़्यादा ट्रूप्स नहीं बना सकता. अगर आप इसमें पैसे लगाएंगे तो आप यानी 1,000 से ज़्यादा भी फिर आप ट्रूप्स बना सकेंगे एक बारी में. तो आप चाहें तो उसमें पैसे लगा सकते हैं, लेकिन ये महंगा बहुत है. लैंड रिसर्च, मैंने आपको जैसे लैंड सर्च करके दिखाई थी. तो अगर आप इसमें पैसे लगाएंगे तो आपकी लैंड रिसर्च इंप्रूव होगी और आपको महंगे वाले रिसोर्स मिलेंगे. और दूसरा ये कि बहुत कम चांस होगा कि आपको कोई रिसोर्स ना मिले. फिलहाल 33% चांसेस होते हैं कि मुझे रिसोर्स मिले. कभी कभी नहीं भी मिलते, 2-3 दफ़ा करना पड़ता है तब जाके मिलते हैं. तो इससे आपके पैसे बचेंगे और आपको जल्दी जल्दी रिसोर्सेज मिल सकेंगे. लेवल 60 तक लेके जा सकते हैं इसको. ट्रेन ट्रू, अच्छा अगर आप इसमें पैसे लगाएंगे तो आपके जो है सिपाही और स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे. अच्छा, इसके बाद जो है हथियारों की वो शुरू हो जाती है. यानी आप हथियारों को अपग्रेड कर सकते हैं. टैंक्स को अपग्रेड करेंगे तो टैंक्स की कारकर्दगी अच्छी हो जाएगी. आर्टिलरी का भी यही है. तो मेरा ख्याल है ये तो आप खुद ही समझ लेंगे. जो ये थोड़ी मुश्किल से टेक्नोलॉजीज थी तो वो मैंने आपको समझा दी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. जान से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें. फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.